सब बिंदणिया अपनी अपनी पूजा की थाली उठाइए और चंद्र देवता को भोग लगाइए। कणक, पूजा थाल उठाओ बेटा। अब सारी बिंदणियां अपने अपने बींद की आरती उतारे। कितना रोमांटिक मोमेंट है ना, जब एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और फिर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है। ओहो, तो अब तुमने मुझे इग्नोर करना सीख लिया है हाँ? और ऐसा करने की वजह जान सकता हूं मैं? वजह आपको पता है। अब सारे बींद अपनी अपनी बिंदणियों को जल पिलाकर उनका व्रत खुलवाएंगे। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारे अंदर? तुमसे एक बात कहूं, और शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें खुद को ना हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। सच बोलने का इतना ही शौक है ना, तो मुझे मत परेशान करिए। जाके मेरे भाई साहब को बताइए कि आपने सैंडी को क्यों भगाया और आपका रुमाल राणा बापू साहब के कमरे में कैसे जा पहुंचा। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देता, लेकिन ऐसा करना ताई जी के साथ धोखा करना होगा, और मैं ताई जी को धोखा नहीं दे सकता। Thank you.
बच्चे क्या किया? पूजा शुरू होने से पहले ही खंडित कर दी, इतना बड़ा अपशगुन। अरे मासा, कोई अपशगुन हुआ है? अरे बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी है, तो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गई। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चकोरी, जोरू का गुलाम। क्या हुआ चकोरी, तारे चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ गया जैसे तने कोई भूत देख लिया। भूती देखा था, उम्मीद सिक्का पूरा खुद से लथपथ। हमाजी ने कहा कि पूजा खंडित हो गई। मेरे मन में बहुत घबराहट सी हो रही है, जैसे कोई तूफान घाट लगा के बैठा है साथ में। अरे चकोरी कुछ ना होगा, कि एक कमजोरी की वजह से ना तारे दिमाग में वहम बैठ गया है। हमारे पास उम्मीद का किस्सा खत्म हो चुका है। जैसे बीता हुआ कल कभी वापिस नहीं आता, ऐसे ही मरे हुए लोग भी वापिस ना आते। इस बात को ध्यान में रख, ठीक है? कुछ ना होगा। पत्नी आप मरी और आपका पति होने के नाते मैं हमेशा आपको बचाने के लिए आगे आऊंगा।